जो बंदा कहता है शिवलिंग का मजाक बना रहा है कि दूध मत चढ़ाओ, गरीबों को बांट दो, दूध हमारा, शिवलिंग हमारा, शिव हमारा, ऐसे हमारे तुम्हारे बाप के नौकर हैं, हम तुमसे पूछ के डालेंगे दूध। क्या बात है। सबसे पहले तो मैं एक मुसलमान हूँ। हाँ। मैं अभी बात चल रहा है कि आमिर खान की फिल्म का बायकॉट करो, यही है ना आपका मेन मुद्दा आज का? तो मैं बताना चाहूँगा मैम, ये फिल्म देखना ना देखना हर किसी इंसान की अपनी मर्जी है। टिकट खरीदोगे, पैसे लेके जाओगे, क्योंकि अपना पैसा खर्च होता, लेकिन फिल्म में क्या मैसेज है क्या मैसेज नहीं है ये देखने के बाद पता लगेगा। वजह क्या है, जब एक मूवी हिंदुस्तान में किसी भी देश में बनती है तो उस मूवी के अंदर जो मैसेज होता है उसका इफ़ेक्ट जो है पूरे देश की कंट्री की पूरी जनसंख्या पर पड़ता है। और कहीं ना कहीं यही ये मुल्क है जो हम कुछ डायलॉग जीवन में अपने इसलिए लाते हैं क्योंकि मूवी से देख लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे डायलॉग आज भी ऐसे हैं जो कि मूवी से देख करके बोलते हैं। तो मैडम ये एक मिनट सबसे पहले तो वो मूवी आमिर खान के बाप की नहीं है, वो मूवी जो है बाकी और लोगों की भी है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर्स सारे मुस्लिम्स नहीं है, वो सारे एक मिनट मैडम आप गूगल करिए, किसी भी मूवी का एक व्यक्ति प्रोड्यूसर हो ही नहीं सकता। उसके दो प्रोड्यूसर हैं, मैं बता देती हूँ, आमिर खान और जी। आप देवी देवताओं का मजाक बनवा के मानेंगे अपने कैमरे से? नहीं, आप इनकी बात सुने जा रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। भैया इनके लिए पहले जोरदार ताली बजा दो अगर मुझे मानते हो तो। अब पूछो क्यों सही है। अब ताली दो तरीके से बजती है भाई साहब, रुक जाओ, ताली दो तरीके से बजती है। इन्होंने बोला एक सीख जाती है, बिल्कुल जायज बात है, सीख जाती है। पीके में हिंदू सीख जाती का बोला मैंने, अरे सीख मतलब एक प्रेरणा मिलती है, मैसेज मैसेज तो मैसेज ही तो बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ अब सुनो, हम 2014 में हमें ये सीखने को मिला कि आमिर खान की मूवी नहीं देखनी है, चड्ढा देखेंगे मगर जिस मूवी में आमिर खान होगा वो मूवी नहीं देखेंगे। क्यों लगता है कि मूवी नहीं देखनी चाहिए? एक बार और पूछो, क्यों लगता है कि नहीं देखनी? हाँ, अब इसका जवाब मैं दूंगा, मुझे सुनाई कम पड़ता है। जो बंदा कहता है शिवलिंग का मजाक बना रहा है कि दूध मत चढ़ाओ, गरीबों को बांट दो, दूध हमारा, शिवलिंग हमारा, शिव हमारा, ऐसे हमारे, तुम्हारे बाप के नौकर हैं, हम तुमसे पूछ के डालेंगे दूध। क्या बात है। रुको एक मिनट, 2014 में मूवी आई कि शिव जी को झांकी के द्वारा आपने रुद्राक्ष की माला पहनी अपने गले में, जब आप रात को जागरण में जाती हो। भाई साहब रुक जाओ एक मिनट, मजाक का मुद्दा नहीं है, हिंदी देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है ना, तो पीके मूवी देख के आप जैसे लोग हंसते हैं। देखिए रुद्राक्ष की माला पहनी है, रुद्राक्ष की माला का मतलब ये है कि आप शिव जी के भक्त हो। जिस झांकी में देवी देवताओं का एक एक सिद्धि होती है, माताएं और बहनें उसको पूछती है, क्योंकि उस टाइम पे उसको उस रूपी बनाया जाता है। उस झांकी को ये शौचालय में घुमा रहा नंगा पुंगा, इसके पास कपड़े नहीं थे, पीके में कपड़े नहीं थे, ये ऐसे कर करके घूम रहा था। ये सही में दूसरे गोले का है, पता क्यों? ये इतना बड़ा देशभक्त है कि इसकी वाइफ ने बोला, देखिए इनको समझ नहीं आएगी इनकी, हाँ चले जाओ आप। भैया सुनो, सारे जितने भी धर्म है सबको उसने क्रिटिसाइज किया था पीके फिल्म में। दूसरे एक मिनट, एक मिनट, आपको बताऊं, एक मिनट, भगवान मैडम नहीं गलत, भगवान भगवान लापता, भगवान लापता, अरे भगवान एक मिनट, सरकार है भगवान लापता दिखाया है, अल्लाह नहीं दिखाया और कोई नहीं दिखाएगा। आराम से बोलो, सुन रही है मैडम, भगवान को भगवान को जो लापता दिखाया, अगर उसने गणेश भगवान को क्यों लापता दिखाया, ये मेरे को माइक अपने जेब में डाल के ले जाओ, भगवान को लापता क्यों बताया, जवाब दे दीजिए ना उनका, भगवान को आखिर लापता क्यों बताया? मैडम ऐसा है, अगर उसने जितने भी रिलीजन थे उनको क्रिटिसाइज किया था, अगर नहीं ये जा रही है आवाज, मेरे को चीखने की जरूरत नहीं है सर, मुझे पता है कि वॉल्यूम खोल देंगे एडिट में। ऐसा है कि जब मान लीजिए अगर किसी उसने पीके फिल्म के अंदर हिंदू धर्म को या अदर रिलीजन को क्रिटिसाइज किया था, तो मैडम दूसरे धर्म को कौन से करा रहा है, तो आज वो खुद सुन नहीं रहे मैडम, एक सेकंड, आज वो खुद क्रिटिसाइज हो रहा है। हां सर, क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज तक उन्होंने जो ईद के टाइम पे इतने बकरों का, निरी प्राणियों का जो कत्ल होता है, उसके बारे में कभी मना क्यों नहीं किया? किसी
भैया एक मिनट, यहाँ बकरे जान ले लो, यहाँ बकरे सब खा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और ये संविधान ही खा के। मैडम अब ये कह रहे हैं सारे खा रहे हैं, ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये खुद खाते होंगे बकरे। ए भाई सुनो, अरे भैया सुनो, देखो भाग गए भैया, देखो चले गए वो, देखो चले गए, चले गए, चले गए वो, देखो चले गए, चले गए। क्यों निरीह प्राणियों का कत्ल कर रहे हो, क्यों उनको काट रहे हो? आप बकरे मत काटो, आप केक काट लो, आप मिठाई काट लो, प्राणियों को क्यों काट रहे हो? लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि बकरे काटना उनका पूजा करने का तरीका है। मैं बोल रहा हूँ अगर सनातनी कोई बकरा नहीं खाता भाई, कोई सनातनी बकरा नहीं खाता। एक करके दीपक भैया एक एक कर सारे खा रहे हैं आप, क्या करके किसी होटल? मैंने बोल रहा सब खा करके सर, सबकी बात दीपक भैया सर, मैं नहीं बोल रहा, इन्होंने बोला है। एक मिनट, इन्होंने बोला ना सारे खाते हैं, सब खाते हैं। मैंने कहा बोला, मैं ये बोल रहा हूँ मैडम के एक मिनट, मटन खाना, चिकन खाना, ये संविधानिक खाके जिसका मर्जी कर रहा हो खाओ, जिसका मर्जी कर रहा मत खाओ। लेकिन अभी तो आपने बोला ना कि सब खाते हैं। भाई ने कहा ना कि मूवी को देख के लोग सीखते हैं। लाल सिंह चड्ढा मूवी में क्या सिखाया गया है कि शिवलिंग पे दूध मत चढ़े, शिवलिंग का अपमान करिए, मूवी में यही सिखाया गया। भैया ट्रेलर सभी ने देख रखा है, ट्रेलर सभी ने देख रखा है। भाई सुनो, आप भी मेरे भाई हो, मैं भी आपका भाई हूँ। उसने ये भी सिखाया कि नंगा पुंगा घूमो, आगे ट्रांसफार्मर लगा दो, हम लोगों ने कपड़े को पहने हैं। टेंशन मत लो भाई, ऐसा है अगर मुझे उस मूवी के अंदर कुछ भी गलत लगेगा तो डेफिनेटली मुझे बॉयकॉट तो उनके बयानों की वजह से हो रही है ना, जो शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को यूजलेस बताया है उसकी वजह से बोल रहा हूँ। अगर देशभक्त है आमिर खान, इतना ईमानदार आदमी है, उसकी वाइफ ने बोला कि इस देश में मैं नहीं रहूंगी, जिस देश में मुझे डर लगता है, उसने वाइफ छोड़ दी। कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी है, ये बात मानते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी है भाई साहब, कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी है, मैं इस बात को एग्री करता हूं। एक चीज बताइए ना, पीके में आपने बोला नहीं, एक मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा एक सवाल। पीके मूवी में लापता सिर्फ श्री राम, हनुमान जी, गणेश जी को ही क्यों बताया गया? अल्लाह भी है, नबी साहब भी है। मैं दीपक शर्मा हूँ, इस चीज का जवाब दिलवा दो, मैं कैमरे के आगे नहीं आऊंगा। बोलो सर, जवाब दे दीजिए इस बात का, जवाब दे दीजिए। मैम अगर मूवी के अंदर जो दिखाया गया था पीके फिल्म के अंदर, मान लीजिए कुछ ना कुछ बात लोगों को बुरी लगी है, तो आज उसको एक्शन का रिएक्शन देख नहीं पड़ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी है ना। भाई सुनो, मेरी बात सुनो मैडम, अगर ये इतनी बड़ी बात बोल रहा है, हम सनातनी, हम भी पूजा पाठ करते। सुनो भाई, मैं सुनो, धर्म मैं बिल्कुल इज्जत करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ। हमारे गांव में आज भी मंदिर है, अगर मान लीजिए हमें कुछ, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमारे जो होते हैं मोतीझारा जो होती है, तो आज भी हमारी मम्मी जाकर के वहां पर जाकर के उसके पूजा के लिए 20-10 रुपए हमारे हाथ से डलवाती है। सुनो, पैसों की दिक्कत नहीं है, मगर शिवलिंग को फुहारा बोलते हैं। भाई शिवलिंग को फुहारा बोलते, दुख लगता होगा ना हमें। बिल्कुल लगता होगा, शिवलिंग को फुहारा बोल रहे हैं सरासर गलत है, और बहुत गलत है, क्योंकि इस देश में अगर कोई भी मुसलमान इस देश में रह रहा है और वो अगर हिंदू धर्म की इज्जत नहीं करता, तो यहाँ से चला जाए फटाफट। सुनो, दोबारा बुलवाओ, हम सबको बहुत बढ़िया बोलिए। इस धर्म के अंदर जो मुसलमान हिंदू धर्म की इज्जत नहीं करता, वो मेरी नजर में यहाँ का है ही नहीं, उसे भगा दिया जाए। दूसरी बात, हम जितने भी इस देश में हैं, सब एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म हमें कुछ गलत नहीं सिखाता है। यहाँ पर है क्या, लोगों ने हर धर्म को अपने अपने तरीके से जो ना हिसाब से मोड़ के जेब में रख रखा है। तो फिल्म बॉयकॉट करेंगे या नहीं करेंगे? इतना फिल्म आप बॉयकॉट कर रहे हो या नहीं? मैडम देखो, मैं देखिए, अभी आपने बोला, एक मिनट, मैं बॉलीवुड से, सनातन धर्म ने नहीं मोड़ रखा अपने आप को, बाकी लोगों ने मोड़ रखा है। नहीं, रुको, सनातन धर्म सुनो, हम ऐसे बोल रहे हैं, सनातन धर्म
आपने अपने हिसाब से नहीं मोड़ रखा है। सुनो बाकी, हाँ अरे वो क्या बोल रहे हैं वो, अरे कुछ मुस्लिम भी ऐसे हैं, कुछ क्रिश्चियन भी ऐसे हैं, कुछ सिख भाई भी ऐसे हैं, मैं हिंदू का तो नाम ही नहीं ले रहा, कि मान लीजिए जो जैसा काम कर रहा है ना इस दुनिया में, जहाँ से उसकी कमाई हो रही है, वो उसी हिसाब से धर्म को लेकर चल रहा है। सर बिल्कुल सही बात है। पता कैसे, मान लीजिए कोई तो किसी का गला काट के कमा रहा है पैसा, गला काट के मतलब किसी का हक मार के पैसा कमा रहा है, तो वो रात को पता क्या कहता है, तो धर्म में तो हमारे है ये चीज कर लेंगे। सुनो अब सुनो भाई, को रुको, नहीं भाई सुनो ये कह रहे हैं या ना, मैं एक चीज, मिनट एक मिनट, मैं बताता हूं आप मूवी का जी, ये बुक लेकर के आया हूं मैं अभी, और भी मेरे पास बुक्स हैं, मैं किसी भी चीज को, एक मिनट, मैं किसी भी, सर ठीक है, मैं क्या हुआ मालूम है, लाल किले में, नहीं सुनो गलत नहीं है, लाल किले में जहां अंग्रेज आते हैं वहां आमिर खान पेशाब करके दिखा रहा है राष्ट्रीय धरोहर, अंग्रेज क्या कहेंगे, हम लोग यहां मुद्दे हैं पिछले लाल किले में, वो मैसेज गलत था मैम, और उसके सूटकेस के नीचे, सूटकेस के नीचे, अगर मूवी आपको, मूवी से आपको पैसा कमा नहीं है ना, तो भाईचारे का संदेश दो, गरीबी के ऊपर मूवी बनाओ, मोहब्बत के ऊपर बनाओ, और सुनो और सुनो और एक चीज और बोलो भाई, एक चीज और बोलो, और एक चीज और बोलो, थ्री इडियट मूवी अच्छी थी भाई, एक चीज और बोलो, एक चीज बढ़िया बोली है, अच्छी नहीं, नहीं 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 नहीं, आपने सही बात बोली है, सुनो एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई सुनो, हम यूपी के रहने वाले हैं, हमने बुलडोजर बाबा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कतई जहर बाबा बुलडोजर, पता योगी को वोट क्यों मिला है, पता योगी को वोट क्यों मिला है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वोट मिला है, आगे क्या कह रहे हैं, नहीं सर क्या बोल रहे थे, अभी मैंने इनकी बात नहीं सुनी, ये क्या कह रहे थे इतनी देर से, पीके मूवी में शिवलिंग का मजाक बनाया, झांकी को घुमाया, लाल किले में पेशाब करा, और सूट केस में देवी देवता की फोटो थी, भगवान को लापता दिखाया, और शिवलिंग नहीं दिखी आगरा में, कौन सा शिवलिंग, अरे वो वहाँ पे लाल किले में, ताजमहल में, आप आगरा से, ताजमहल है, आगरा से नहीं लखनऊ से, मैं समझ गया आगरा से, लखनऊ से, लखनऊ से, लखनऊ से, लखनऊ नवाबों के शहर से, ठीक है, सवाल मैंने उनसे पूछा सर, सर वो भी बुलडोजर से, दीपक भैया एक मिनट, जो सवाल मैंने उनसे पूछा वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पीके मूवी में लापता सिर्फ भगवान को, श्री कृष्ण को, राम को, हनुमान जी को, गणेश जी को ही क्यों दिखाया, अल्लाह को क्यों नहीं दिखाया, सिख के जो वाहे गुरु है उनको क्यों नहीं दिखाया, शिवलिंग की ही बात क्यों की, भगवान शिव को ही क्यों दौड़ाया, पीके मूवी में रोल किसने किया, आमिर खान ने, ये भी तो देखिए, बयान किसने दिया, आमिर खान ने, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना यूजलेस किसने बताया, आमिर खान ने, तो आमिर खान ने ही तो बना, वो मूवी अगर उन्होंने वो नहीं करी होती, साइन नहीं की होती, तो कैसे वो आगे बढ़ती, अरे बढ़िया उनकी बढ़िया गलत बनी, ये तो बता दीजिए महाराज, कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन नहीं मूवी सही, रुक जाओ यार, मूवी प्रोड्यूसर क्या करेंगे, क्या कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, नहीं की बात नहीं समझ आ रही है, जरा अच्छे से बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है इनकी तो मूवी नहीं देखनी चाहिए, जिन्होंने पीके बनाई है उनकी ही नहीं देखनी चाहिए, जवाब जवाब दे के जाइए, जवाब दे, क्या जवाब क्या चाहिए आपको, पीके मूवी में देवी, वो सनातन धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं हर एंगल से, इनसे जान लेते हैं जवाब, इनसे देवी देवताओं का मजाक, देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है, वो मूवी उस एक्टर की देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, एक चीज और भगवान के साथ साथ, एक मिनट भाई साहब, किसी भी देवी देवता और किसी धर्म की मूवी का मजाक बनाओगे, चाहे वो वाहेगुरु हो चाहे अल्लाह हो, नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, चाहे अल्लाह हो चाहे मोहम्मद हो चाहे वाहेगुरु हो, इस हिंदुस्तान में किसी भी मजहब के देवी देवताओं का मजाक नहीं सहेगा हिंदुस्तान, धर्म किसने बनाया, धर्म किसने बनाया, जबरदस्ती अपने आप ही बदल गया, धर्म बनाया, धर्म कोई क्या, धर्म जात किसने, सनातन धर्म हमेशा से था, भैया सनातन का मतलब होता है जिसका ना कोई आदि हो ना कोई अंत, समझिए, तो ये केवल सनातन धर्म ही था पहले, से चल रहा है इस पृथ्वी पे, एक ही धर्म है सनातन धर्म, बाकी सारा मजहब है, बाकी सारा मजहब है, ठीक है, और जो धर्म है वो केवल सिख धर्म है, सनातन धर्म और बाकी सब मानसिकता है, दिमाग का ऊपर उसी को मजहब कहते हैं, तो मानसिकता से तो हम ही लोग खेल रहे हैं ना, हम ही लोग नहीं समझ रहे हैं, मेरी बात सुनो, अरे भाई सुनो, हम इनको नहीं समझ पा रहे हैं, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, ये क्या कहना, सुनो ये कह रहे, एक मिनट भाई, लास्ट खत्म, टाटा बाय बाय, अरे राहुल गांधी जी हम आ गए हैं, ओके टाटा बाय बाय, खत्म, टॉपिक खत्म कर देंगे, अभी बात खत्म करो,
आप मुझे एक बात बताइए, पीके मूवी में देवी देवता का मजाक बनाया, एक भाई अभी बोल के गया यहाँ से ऐसे निकला है 9-2-11 वो बोल के गया है कि पीके मूवी और मूवियों को हम देख के कुछ सीखते हैं, उस पिक्चर में नंगा पुंगा घुमा है वो, हम लोग नंगे हो जाएगा भाई साहब सारे, काहे नंगे काहे हो जाएंगे। अब वो बोल रहा है कि पृथ्वी जो है हम उई गोला के हैं, हम उई गोला के हैं, अब बुरा मत मानना। वो बोले मजे में बोला, अब आपने क्या बोला, मैं कहां का हूं, सुनो आपने क्या बोला, मैं कहां से आया हूं, मैं लखनऊ से हूँ, तो आपने ये क्यों नहीं बोला मैं उगोला से आया हूँ, मैं उगोला से मैं बता क्यों, सुनो आप ये लखनऊ से कौन से बाबा, योगी बाबा, अरे वो वाला बिल्डोजर बाबा, अरे भाई भाई सुनो, सच्चा हिंदुस्तानी हिंदू हो या मुस्लिम हो चाहे सिख हो, आज उस राज्य में ना हर महिला सुरक्षित है जब जिस मजहब की हो, और सुनो जिस देश में बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, मेरी आत्मा रोती है, जब दिल्ली में कांड हुआ था उस टाइम पे नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, इस देश में चाहे विकास दुबे हो और चाहे वो किसी भी कौम का हो, उसकी गाड़ी गलती से अगर चली गई उत्तर प्रदेश पलटेगी नहीं, विकास दुबे के साथ गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, मेरी बात सुनो, उसकी गाड़ी पलटेगी नहीं, दुबे के साथ गलत हुआ, आज किसी के मकान के बाहर बुलडोजर खड़ा होता है तो माँ कहती है बेटा कहीं पत्थर तो नहीं चला कर आया, तो इसीलिए चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, किसी देवी देवताओं का मजाक नहीं होगा, और अब के बाद आमिर खान की मूवी का बाइकआउट कर रहे हैं, और चड्डा वड्डा से हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई पहने या ना पहने, मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप इनसे बोलो कि एक मूवी किसी दूसरे धर्म पे बना के देखे, फिर उसके बाद देखे क्या होता है यहाँ पे, हम सनातनी हैं, हमने तो थोड़ा वो कर लिया, धर्म वाले चूड़िया पहन चुके हैं बस, लेकिन किसी दूसरे धर्म को बोलो कि एक बारी वो उस पे मूवी बना करके दिखाए, आमिर खान कोई भी हो, अल्लाह पे बनाए, कुछ भी पे बनाए, किसी दूसरे मूवी पे बना के दिखाए, उसके बाद देखो यहाँ पे होता क्या है, हम ऐसे थे कि हम चुप हो गए, हमारे हाथों में चूड़िया पहन लिए हमने, हमसे नहीं हो पाया, इसलिए अगर किसी दूसरे पे बना के दिखाए फिर उसके बाद देखे उनके साथ क्या होता है।